और उत्तराखंड के विकास में भी सहयोगी जरूर बनिए। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारे यहां सालों से एक कल्पना बनी हुई है, बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं, नीतियों का फायदा उठाइए। सरकार नीति बनाती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हर एक के लिए खुली होती है, जिसमें दम हो वो आ जाए मैदान में, फायदा उठा ले। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बातें हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए हैं, उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है। और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को घर बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है, अगर उसे कुछ लौटाने का अवसर मिलता है तो उसका आनंद भी कुछ और होता है। और इसलिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आइए इस पवित्र धरती की चरण माथे पर लेकर के चल पड़िए। आपकी विकास यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, ये इस भूमि के आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका संकल्प आपका विश्वास हम सभी को प्रोत्साहित करता है कि अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हम भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।